मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू सोनापटिया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आज तो बहुत ही हैप्पी होंगे क्योंकि आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो बोलो जय अम्बे, जय माता जी। तो मैंने देखे मेरे भगवान जी को सबको रेडी कर लिया है, कितने सुंदर दिख रहे हैं भगवान जी सब। तो आप लोग को कैसा लगा सब कुछ रेडी किया हुआ, आप लोग बताना मुझे। मुझे तो बहुत सुंदर लगता है ये सब कुछ करने में और बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मेरा इतना ही छोटा सा मंदिर, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, तो धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। तो बस ये गरबा भी देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लगा। तो अभी है ना, मुझे वेणी गरबा और माता जी की बाकी है क्योंकि मैं नहीं जा पा रही हूँ, सब कुछ तो हो चुका है, बस वेणी तो माता जी को लग कर वेणी है अभी। तो अंकिता छुट्टी लेने वाले थे, बोल रहे मैं छुट्टी ले लूँगा, बहुत दिनों से मैंने ली नहीं है। तो बाद में सोच रहे मैं क्या करूँगा, घर पे रह के चला जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि आप शाम को जल्दी आ जाना, तो लेके आना, शाम को लगा देंगे, या तो वो नहीं लेके आएंगे तो मैं काजल बहन को बोल दूँगी, तो वो लेके आ जाएंगे। तो बस अभी जो दिए लगा दिए हैं मैंने भगवान जी को और पूजा हो गई है मेरी, तो अभी बस वीरज अंकित तो चले जाते हैं। अभी बज गए हैं 8। तो अंकित ने पहले बोला था कि मैं नहीं लेके जाने वाला हूँ, मैं नहीं जाने वाला हूँ, तो मैंने टिफ़िन भी नहीं बनाया था और वीरज का तो मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था, सैंडविच बनाई थी, पॉपकॉर्न बनाया था, वो उसका सब कुछ करके रखा था। तो बोल रहे कि अभी भी कहने दे, मैं चला जाता हूँ, मुझे घर पे बैठ के क्या करूँगा, उससे अच्छा है मैं चला जाऊँ, जल्दी आ जाऊँगा। तो बाद में बोल रहे कि अभी मैं बाहर से कुछ कर लूँगा, खा लूँगा, तो वो कुछ भी लेके नहीं गए हैं। और अभी बस मैं भी थोड़ा बहुत नाश्ता करूँगी सॉरी, क्योंकि मेरी सुबह सुबह मेरी एक दवा, दो दवाई रहती है, एक एसिडिटी की और एक हीमोग्लोबिन की, जो मुझे खाली पेट खानी रहती है और उसके बाद 2 घंटे तक कुछ भी मिल्क का कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो चाय के बिना तो दिन ही नहीं जाता है, चाय या दूध कुछ भी। अभी तो मैं चाय कम पीती हूँ, या तो ड्राई फ्रूट वाला दूध पीती हूँ, या तो कॉफ़ी, ऐसे कभी कभी कॉफ़ी पीती हूँ, और अंकित रहते हैं तो चाय ऑफकोर्स बनानी पड़ती है, तो मैं चाय पीती हूँ। तो बस अभी मैं 8 बजे, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे 7 बजे मैंने दवाई पी थी। तो अभी बस पूजा पाठ हो गया है मेरा और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। 6 hours later। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं 3 और वीरज आ चुका है। तो मैंने आज लंच में बनाए हैं थेपले हम दोनों के लिए, थेपले का आटा गूंथ लिया था मैंने, और बाद में ये देखिए फ्लेक्सिंग जोला। हेलो हेलो सबको, हेलो फ्लेक्सिंग जोला। ये है ना, अभी तो कुछ नहीं करता है वरना सब ये पेन से सब मुंह पे सब जगह ये लाइन बना के आता है स्कूल से, पता नहीं सब बच्चे ऐसा करते हैं। जोला फ्लेक्सिंग जोला। इस बार भी वीरज को है ना ड्रिल में रखा है, ड्रिल में, ड्रिल में मैं मार दूंगा। और वीरू मैं ऐसा मत कर, तो मार दूंगा मैं ड्रिल वालों को, शांत हो, जब देखो तब मुझे ड्रिल देते हो, कभी रेस नहीं दिया, शौर्य मुझसे भी स्लो है तो उसको रेस दिया लास्ट ईयर, मेरे को रेस नहीं देते। तो अभी वीरज का मस्त वाला डांस देखने जाएंगे, गए साल वीरज का कितना मस्त परफॉर्मेंस था, मस्त डांस किया था वीरज, वो दौड़ने में तो क्या 2 मिनट में वो मेडल भी नहीं जीता था शौर्य, पता है? पर मैं जीत सकता हूँ ना, मैं उससे तेज हूँ। कुछ तेज नहीं है, पता मैं हूँ, तू रेस करा के देख ले शौर्य के साथ। ऐसे नहीं कर रही है रेस, वैसे और वीरज है ना ये कपड़े सब ऐसे ही पहनता रहता है, जितने कितने सारे कपड़े हैं उसके मैं दिखा के, ये पूरे ये डेली वेयर के उसके पूरा 3 थप्पे है, पर वो ये आगे के नाइट छुट्टी पहनता रहता है, पीछे से कपड़ा लेता ही नहीं है ये है ना ऐसे ही कपड़े पहनता रहता है। तो चलिए अभी थेपले बना के हम खा लेते हैं दोनों। तो आटा हमारा रेडी है, मैंने पहले बना लिया था, आटा गूंथ लिया था, अभी हम दोनों थेपला खाएंगे। अभी बहुत लेट हो जाता है, वीरज घूम घूम के आता है, पता नहीं अकेला अकेला। वीरज तो आज कैसे आया? अच्छा तो क्यों लेट हो जाता है? ओके तो चलिए अभी 3 बज गए खाने में वीरज को, वो अभी थेपला और दही में उसको गरम गरम बना के खिला देते हैं। Few moments later. तो अभी बज गए हैं 6 और वीरज कर रहा है उसका काम। हाँ,
इस बार वो बोल रहा है मैं बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आने वाला हूँ, तो आप सबको भी पता चलेगा विजात कितना अच्छा रिजल्ट विराज का आता है। तो अभी मैं जा रही हूँ। आज अभी तो बोल रहा था कि मैं मुँह में बहुत अच्छा लेके आने वाला हूँ, तो गंदा लेके आएगा? अच्छा हाँ, तो अच्छा ही होगा ना। तो चलिए मैं है ना अभी जा रही हूँ, भगवान की वेणी सब लेना है ना, तो मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। तो अभी बस मैं जा रही हूँ, अभी यहीं कहीं पर ही देखूँगी थोड़े नेस्टों में इधर उधर, तो मिल जाएगी। तो बराबर कर ले, मैं अभी आती हूँ, 15 मिनट में ही आ जाऊँगी मैं। तो बस 15 मिनट का ही काम है, तो मैं जा रही हूँ। और विराज को आज खाने के पास्ता, और हमारा आज डिनर का काजल बन के तरफ से आने वाला है सब्जी पनीर की। तो ना बोला था कि आप लोग कुछ भी बनाना मत, तो हम दोनों के लिए वहाँ से आएगा। और विराज को खाना है पास्ता, तो विराज के लिए मैं पास्ता बना दूँगी। और देखूँगी ध्यानी को खाना होगा तो ध्यानी को भी बना दूँगी, ध्यानी को और दोनों भाई बहनों को। चलिए अभी हम ढूंढ के आते हैं, वही नज़दीक में मिल जाए तो अच्छा है, मुझे ढूंढ मिल जाए। यहाँ पे देखिए इंडियन वेयर बहुत सारे मिल रहे हैं, चोली सब कुछ। बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, जूते, पाकिस्तानी सूट की बहुत सारी शॉप्स हैं, ज्वेलरी की, ये देखिए खजूर, सारा सूट। चलिए नेस्टो में आ गए हम, यहाँ पर भी है। दूर में गई थी, नेस्टो में गई थी, नेस्टो में तो थे और दूर में थे पर मुझे महंगे लगे। तो अभी मैं आ गई हूँ फूल की दुकान, तो ये देखिए यहाँ पर फूल की दुकान है, यहाँ से ही ले लेंगे। मैं आ गई हूँ जो से, मैं यहाँ से कुछ मिठाई लूँगी प्रसादी के लिए। तो चलिए अभी चलते चलते सब कुछ साथ में हो जाता है। दिए की तैयारी कर ली है मैंने, आरती की यहाँ पर दिए सब रेडी है, मैंने प्रसादी में दिया है चले भी। और वहाँ पे पोल हो रहा है रेडी धूप के लिए। और यहाँ पे देखिए हम फूल लेके आए हैं वेणी भगवान जी की, ये फ्रेश रहेगी, मधुर में फ्रेश नहीं थी, वो सब फ्लावर्स वो हो गए थे, सब मुरझा गए थे। तो चलिए अभी मैं एक एक करके सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ, पहले दिया लगा देती हूँ, तब तक कोल हो जाएगा, बाद में धूप लगाएंगे, बाद में आरती करेंगे। और ये खा रहा है विराज, जल्दी कर पछी आरती करिए ना। सब कुछ भगवान जी के सामने रख देते हैं। बेन हमें खाना दे के वापस भी जा रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं क्योंकि ध्यानी को खिलाना है अभी। तो आपको खाना मैं अभी दिखाती हूँ, कौन सा सब्जी कौन सा बनाया है कहीं मुझे, हाँ हाँ ये मैंने भी अभी याद आयु शाम सवेरा। चलो हम बताऊ ऑडियंस, यहाँ पर हमारी फाल्गुनी आ गई और फाल्गुनी के फैन भी आ चुके हैं, अभी भी आ गए हैं। तो देखिए हमें दे के चले गए क्योंकि अब ध्यानी को भूख लगी है, उसको पास्ता खिलाना था, तो ये पास्ता लेके गए वो।
क्योंकि उसको कैसा प्लेन वो खाली हल्दी नमक काजल बेन उसके हिसाब से बना के देते हैं ध्यानी को जैसा खाना है, इसलिए मैंने प्लेन ही रखा। अभी विराज को मैं बना दूँगी। पर देखिए सब्जी एकदम ब्यूटीफुल, अभी खाएंगे हम थोड़ी देर के बाद। और ये पराठे तो बोला था कि मैं दे के जाऊँगी, मैं बोली खाने के लिए नहीं आऊँगी, वरना वो बहुत ही लंबा हो जाता है, खाने पीने में पूरा टाइम चला जाता है, तो बोल रहे मैं दे के जाऊँगी। अभी वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल है, मुझे बहुत मेरी बहुत केयर करते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो तुरंत ही देने के लिए आ जाते हैं खाना पीना। मैं मना करती हूँ कि मत भागा करो, ठीक हूँ मैं अभी, मैं कर सकती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तभी तो आपको ही करना है, फिर भी वो बोलते हैं कि मैं बनाऊँगी तो आपको दे के जाऊँगी। वैसा चलता रहता है, बाजू में है तो ठीक है, हमारी एक दूसरे को इतना पहले से ही है, हम जब से रहना है तब से हम एक दूसरे का है इतना कि हम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हो चुका है नेक्स्ट डे और नवरात्रि का सेकंड डे। तो बस अभी बज गए हैं 3:30-4:15 और मैं जा रही हूँ बाहर, और ये लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं, आज विराज का फ्रेंड आया है, तो ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। यस यस, क्या खाएगी आप लोग के लिए लेके आओ? ओके, तो मैंने बोला ना कि मैं जा रही हूँ बुर्जुमान, तो वो अंदर गपशप करने लगे और बहुत खुश होने लगे। देखा, तू जल्दी जा, मैं अब भी आने वाली हूँ 15 मिनट में, मेरा काम 15 मिनट का ही। नहीं, ओके। ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है ना अकेले, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा, मेरा काम से मोबाइल का कुछ मेरा नंबर बंद हो चुका है, तो कुछ वेरीफाई करने जाना पड़ेगा। तो अंकित तो कल गए थे, मुझे ना जाना पड़े इसलिए, पर मेरे बिना नहीं हो पाएगा इसलिए मुझे अभी जाना ही पड़ेगा, मेरा तो कल से मेरा मोबाइल नंबर बंद है। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो मेरे ट्राई भी लेके मेरा काम हो जाएगा बंद, अभी 2 मिनट में आ जाऊँगी वापस। चलिए आपको मैं बुर्जुमान की सैर करवाती हूँ, मैं आई तब से बुर्जुमान गई नहीं हूँ, आप लोग ने भी देखा होगा व्लॉग में आया ही नहीं है, तो चलिए आप लोग को बुर्जुमान दिखा देते हैं आज बहुत दिनों के बाद। देखिए यहाँ पर सब पिजन, मेरे घर पे भी गेहूं पड़े थे जो मैं गरबा के लिए लेके आई थी ना, तो बचे हैं बहुत सारे, मैं अभी विराज को भेजूंगी। ये बाजरा कोई डाल के गया है। कितने सारे हैं देखिए, ये देखिए यहाँ पर बुर्जुमान के पास ये बिल्डिंग बन रहा था, ये रेडी भी हो चुका है। हम इंडिया से आए तब तक ये थोड़ा बहुत काम बाकी था, पर अभी तो पूरा रेडी हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी काम होता है यहाँ पर। चलिए स्टेशन भी आ गया, इतना गर्मी नहीं है, गर्मी इतना नहीं है, पर चलने में थोड़ा दिक्कत होती है ना, धूप है अभी, देखिए लाल लाल हो जाता है सब। चलो पहुँच गए बुर्जुमान में, ट्रांसफर आ गया, ये हमारा काम हो गया है, 5 मिनट का ही था। यहाँ पर देखते कपड़ों की दुकान, यहाँ पे भी वाह बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन, पर अभी कुछ भी ऑफर नहीं है। यहाँ पे ऑफर बहुत टाइम से चल रहा है, पता नहीं, ये मेरा मुझे यहाँ का कपड़ा अच्छा लगता है श्री का, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है, पर अभी कुछ भी ऑफर नहीं चल रही है, कपड़े भी बहुत सुंदर सुंदर है। हेलो, just trying for yourself.
चलिए मैं ये ड्रेस ट्राई करने जा रही हूँ। वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ट्राई करके वीडियो बना, तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। मैंने बोला लेना तो नहीं है मुझे, तो चलिए मैं ट्राई करके दिखा रही हूँ। तो कैसा लग रहा है मुझे ये ड्रेस? मुझे तो बहुत पसंद आया है, पर अभी ऑफर नहीं चल रही है, वरना ले लेती। मुझे बहुत ये वर्क भी बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लग रहा है। वर्क दिखाएं, दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, देखिए हैंड दिखा, और ये हैंड वर्क भी बहुत अच्छा है, ऐसा है सॉफ्ट मटेरियल में, बहुत अच्छा है। तो चलिए हमने ये लोग का प्रमोशन कर दिया फ्री में। हमने केयर फोर से मना किस ले लिया बच्चों के लिए, तभी निकलते हैं घर की ओर। देखिए यहाँ पर सब बेकरी का आइटम, यहाँ पर मिल्क आइटम। चलिए अभी कुछ वेफर्स में ऑफर होगी तो वो ले लेते हैं खाने के लिए। डोरिटोस, ये डोरिटोस डोरिटोस में ऑफर है। A few moments later. तो फ्रेंड्स अभी हो चुका है आरती का टाइम, तो अभी मैंने दिए सब कुछ रेडी कर लिया है यहाँ पर, और बोल भी रख दिया है मैंने यहाँ पर। आज हमने मग भात बनाया है, तो यहाँ पर मग रेडी है, अभी तड़का लगा दिया है मैंने, राइस भी रेडी है। तो आज हम सिंपल सा मग भात खाएंगे, एवरीडे अच्छा अच्छा खाते हैं तो कभी कभी सिंपल सा भी खाना चाहिए। वैसे दाल चावल भी बनाते ही रहते हैं, आज मग भात बनाया। तो चलिए अभी है ना आरती कर लेंगे, तो हम अंकित की वेट कर रहे हैं। आज वो बोल रहे थे कि मैं आ जाऊँगा, तो पता नहीं, और आज हम कहीं पर गरबा खेलेंगे तो नहीं, मैं तो देखूँगी अंकित खेलेंगे, तो देखते हैं कहाँ पर जाएंगे हम। तो वो सब कुछ अभी नेक्स्ट वाले व्लॉग में आएगा। और यहाँ पे देखिए हमारी चिड़िया आ गई थी हमारे घर पे, तो मैं आई बाद में, मैं गई थी तो मैं लेके आई थी उसको खेलने के लिए, तो वो अभी टीवी देख रही है। विराज का फ्रेंड भी चला गया, तो अभी हम सब लोग टीवी कंप्यूटर सब कुछ बंद करेंगे, और अभी क्या करेंगे हम आरती। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। आपको हमारे व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट। चलो बाय बाय।